तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता कि डेडपूल एंड वॉल्वरिन रिलीज़ हो चुकी है और इस मूवी को मैं देख चुका हूँ और मैं इसका जेन्युइन और ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आपके सामने आया हूँ। और इस मूवी का जो रिव्यू करते हुए मेरे दिमाग में आ रहा है कि इसका रिव्यू जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल करूँ, वैसी भाषा जो इस मूवी के अंदर बोली गई है या सिंपल जिस तरह की भाषा में मैं बात करता हूँ और जो भाषा मेरी है, क्योंकि इसकी भाषा सुनकर दिमाग ख़राब भी हो जाता है और हंसी भी खूब आती है। जब आप इस मूवी को देखने के लिए जाओगे तो ऐसा हर 2 मिनट में आपको ऐसा डायलॉग मिलेगा कि आपकी हंसी रुकेगी नहीं। मतलब ये मूवी हाई डोज है कॉमेडी का। और अगर आपने डेडपूल 1 और डेडपूल 2 देखी हुई है तो आप बिल्कुल फैमिलियर होगे इस तरह की लैंग्वेजेस से। हालांकि मैं भी फैमिलियर हूँ, बट थोड़ी सी अटपटी लगती है, उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जब आप इसको थिएटर में देखने के लिए जाओगे तो आपको कॉमेडी का हाई डोज मिलने वाला। अगर आपके वीकेंड का पूरा स्ट्रेस है, पूरे वीक काम करने के बाद में आपके अंदर कुछ ज़्यादा स्ट्रेस भरा हुआ है और आपको परेशानी है कुछ, तो आप ये मूवी देख लो, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, कम से कम 2.5-3 घंटे के लिए तो दूर हो जाएंगी। और आप इसको क्वालिटी टाइम बोलते हैं, मैं बताऊँ, आप इसको देखोगे आप हंसते रह जाओगे थिएटर में। और मूवी के अंदर स्पेशल अपीयरेंस में है कैप्टन अमेरिका, और उनके अपीयरेंस क्या है और उसके डायलॉग क्या है वो अभी भी मैं सोच रहा हूँ तो अभी भी मुझे हंसी आ रही है। तो डेडपूल एंड द वॉल्वरिन का जो ये कम्बिनेशन उन्होंने बनाया, ये सुपरहिट मूवी बन चुकी है। आपको भी पता चल गया होगा कि पहले दिन इसने भारत में 22 करोड़ 30 लाख रुपए के करीब कमाई करी और पूरी दुनिया में 1000 करोड़ रुपए छाप दिए हैं। तो मूवी की स्टोरी यही है कि ये मल्टीवर्स से रिलेटेड है, मार्वल का, फोक्स का, वार्ट डिज्नी का, कहाँ कहाँ का इसमें डायलॉग दे के पूरी की पूरी इज्जत उतार रखी है सभी की। इवन इस फिल्म के अंदर जो विलन्स आते हैं, छोटे मोटे जो कैरेक्टर होते हैं, जूनियर आर्टिस्ट, ये वो, हर तरह के कैरेक्टर की इसमें बेइज्जती कर रखी है, बड़े कैरेक्टर की बेइज्जती कर रखी है। डेडपूल के जो डायलॉग लिखे हैं ना हिंदी वाले, मैंने तो हिंदी में देखे, मैं हिंदी वालों के डायलॉग की बात करूँ, अल्टीमेट हैं। अगर आप इस मूवी को हिंदी में, हमारी जो राष्ट्रभाषा है, उसके अंदर देखोगे तो आपको मज़ा आने वाला है बहुत इस मूवी को देखने। अब इस मूवी की कहानी क्या है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है ये मूवी डेडपूल एंड वॉल्वरिन के कम्बिनेशन के ऊपर है, तो पहले से ही पता चल जाएगा, पहले सीन से ही आपको, कि भाई डेडपूल लोगन को ढूंढ रहा है जो मर चुका है, वो उसके कंकाल के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा है। शायद आपने ये ट्रेलर में भी देखा होगा, कुछ इस तरह से दिखाया गया है। और उसके बाद में स्टार्ट होती है मूवीज़, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाती है कि वो एक्चुअली में ऐसा क्यों कर रहा है। तो उस फ्लैशबैक के बाद में फिर दोबारा मूवी करण में 20-25 मिनट का फ्लैशबैक है, ज़्यादा बड़ा फ्लैशबैक नहीं है। उसके बाद मूवीज़ मल्टीवर्स तक पहुंचती है, वो अलग अलग मल्टीवर्स में जाता है लोगन को ढूंढने के लिए, और उसको हर तरह के लोगन मिलते हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई कैसा, कोई कैसा। तो मतलब इस चीज़ में भी कॉमेडी दिखाई गई है, और साथ ही उसको हर मल्टी यूनिवर्स में कुछ डेडपूल भी मिलते हैं, और एक यूनिवर्स में तो उसको डेडपूल की पूरी तादाद ही मिल जाती है। तो इस चीज़ का इसमें काफ़ी अच्छा एक उन्होंने सीक्वेंसेस भी क्रिएट किया हुआ है, उनका फाइट सीक्वेंसेस का, जिसमें बहुत सारे डेडपूल इकट्ठे लड़ रहे होते हैं ओरिजिनल डेडपूल के साथ में। एक्शन सीक्वेंसेस की मैं बात करूँ तो एक्शन सीन इसके अंदर खूब है, लेकिन एक्शन सीन जो है वो बहुत ही वियर्ड टाइप के हैं। अब ये वियर्ड क्यों है तो आपको पता चल जाएगा जब आप ये मूवी देखोगे, थोड़े अलग तरह के एक्शन सीन्स हैं इस मूवी के अंदर। और ये जो डेडपूल एंड वॉल्वरिन का जो कम्बिनेशन है, ये वाकई रेयर कम्बिनेशन है, ऐसा हॉलीवुड की मूवीज़ में बहुत ही कम होता है, और जब होता है हमेशा से हिस्ट्री रही है तब कमाल होता है। इस मूवी को देखने के लिए आपको कुछ इस तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पुरानी कोई एक आधी मूवी देखनी पड़ेगी उससे कुछ रिलेटेड इसके अंदर सिलेबस हो सकता है, ऐसा कोई सिलेबस नहीं है। आप खाली दिमाग के साथ जाओ इस मूवी को एंजॉय करके, आप आराम से बढ़िया बाहर निकलोगे। क्योंकि इस फिल्म को समझने के लिए जितना MCU ज्ञान, मतलब मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का ज्ञान आपको चाहिए, इसके ज्ञानचंद फिल्म के दौरान इतना ज्ञान आपको दे देते हैं, मतलब आपको कुछ समझने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अब इस फिल्म को देखने के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि टाइम वेरियंस अथॉरिटी TVA क्या है और मल्टीवर्स क्या है। अलग अलग कालखंडों में और अलग अलग धरतियों पर हो रही घटनाओं पर नजर रखने के लिए ये एक एजेंसी इस बार डेडपूल को उठा ले जाती है। डेडपूल को अलग अलग दुनिया में भटकने का मौका मिलता है और इसके पास में 72 घंटों का टाइम होता है अपनी दुनिया को बचाने के लिए, और अपनी दुनिया को बचाने के लिए उसको लोगन की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो हर जगह पर लोगन को ढूंढता है। वो राइट कैंडिडेट को, मतलब लोगन बहुत सारे होते हैं इसमें, राइट कैंडिडेट को पकड़ के वो अपनी दुनिया में लेके आता है अपनी दुनिया को बचाने के लिए। दोनों एक दूसरे से अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की तरह लड़ते हैं, दोनों एक दूसरे को जान के प्यासे हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और मूवी में शाकाल टाइप की एक विलन भी है, उसे देखकर कंफ्यूज मत होना, वो एक लड़की है और उसे दूसरों के दिमाग में उंगली करने की आदत है। ये फिल्म शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि जो ऑडियंस वहाँ पर बैठी हुई है उसका पैसा वसूल हो जाए, इसीलिए हर एक मिनट के बाद में आपको डायलॉग डिलीवरी दी जाएगी ताकि आपकी बत्तीसी बाहर आ जाए।
पहले 30 मिनट फिल्म के बहुत ही कमाल के हैं। बिना टाइम वेस्ट करे उन्होंने पूरा अच्छे से बेस बना दिया इस मूवी का कि आगे 1.5 घंटे आपके कैसे निकलने वाले हैं। और पहले 10 मिनट में डेडपूल इतने लोगों को मार देता है, लगता है जैसे कि वो किल मूवी का बदला ले रहा है कि उस मूवी में 30-35 लोगों को मारा था तो मैं 50-60 लोगों को 100 लोगों को मारूंगा। और दोस्तों गलती से भी अपने बच्चों को या अपने छोटे भाई बहन को जो 18 साल से कम उम्र के हैं उनको इस मूवी को देखने के लिए बिल्कुल भी मत लेके जाना, क्योंकि इस मूवी के अंदर गंदे डायलॉग है, गालियां हैं, डबल मीनिंग बातें हैं। हालांकि आपको हंसाएंगी लेकिन अगर आप अपने साथ में छोटे बच्चों को लेके गई तो आपको रोना भी पड़ सकता है। अब इस मूवी को देखने के बाद मैं एक बात तो दावे से कह सकता हूं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है अब एक अलग तरह की मूवीज बनाने की फिराक में है, अब एक अलग तरह की ऑडियंस को चाहता है जो 18 साल से ऊपर की हो। खैर जैसे तैसे मूवी क्लाइमैक्स तक पहुंचती है और क्लाइमैक्स तक पहुंचने के बाद में ये क्लियर हो जाता है कि ये दोनों दोबारा फिर से साथ में आ सकते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और इस मूवी में एक सीन में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का भविष्य भी दिखाया गया 5 साल बाद वाला, जिसमें डेडपूल और थोर साथ में होंगे लेकिन डेडपूल उस कंडीशन में मर रहा होगा और थोर दुखी होगा। तो ये इस मूवी के अंदर दिखाया गया कि ये भविष्य में आगे होने वाला है, तो मतलब उसकी रूपरेखा ऑलरेडी तैयार की जा चुकी है, डेडपूल की एमसीयू में एंट्री होने वाली है, तो आगे आपको और भी ज़्यादा मजा आने वाला है। तो अब ओवरऑल मुझसे पूछा जाए इस मूवी के बारे में तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 रेटिंग दूंगा। और इसका कारण सिर्फ ये है कि मैंने जितने पैसे खर्चे ना मेरे वो सारे पैसे वसूल हो गए क्योंकि मेरा खून बढ़ा है। आपको पता है कि जब हम हंसते हैं स्माइल करते हैं तो हमारा खून बढ़ता है, लेकिन जब हम बत्तीसी निकाल के हंसते हैं तो खून और दुगनी गति से बढ़ता है। तो इस मूवी के अंदर ऐसे अगर मान लो 2 घंटे 10 मिनट की ये मूवी है तो 2 घंटे 10 मिनट की मूवी में कम से कम 130 मिनट होते हैं, 130 मिनट में कम से कम मैं 90 बार बत्तीसी दिखा के हंसाऊंगा। और आसपास के लोगों का भी यही हाल था, तो मतलब ये मूवी आपकी हेल्थ को, आपके बीपी को, आपके मूड को हर तरह से रिलैक्सेशन करके आपको एक चरम सुख दे देगी, सॉरी खुश कर देगी। तो मतलब आपके मनोरंजन में वर्ल्ड डिज्नी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, आप इस मूवी को पूरा एंजॉय करने वाले हो। अगर आप इस वीकेंड पर इस मूवी को देखने का प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन बच्चों को साथ में मत लेके जाइए, ये एडल्ट मूवी है। ये तो था मेरा रिव्यू डेडपूल एंड वॉल्वरिन का। थोड़ा सा अजीब तरह से मैंने रिव्यू किया क्योंकि एक इस मूवी को देखने के बाद में आदमी थोड़ा सा मानसिक रूप से स्टेबल नहीं रहता, तो वही कंडीशन अभी मेरी भी, मैं भी वैसा स्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैंने उस तरह का रिव्यू दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।